हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या फिर अगर आप उनके आसपास के फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं और आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनके लिए बहुत ही एसेंशियल ये वीडियो है। बिकॉज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करें प्रेगनेंसी में, जहाँ पर हमारी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको कंप्लीट मिल रही है, प्लस आपका जो आपके फीटस में जो बेबी ग्रो कर रहा है उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहे और डेफिनेटली आप बाद में भी इतना ज़्यादा वेट गेन ना कर लें पोस्ट डिलीवरी, जहाँ पर वेट शेड करना मुश्किल हो जाए। सो आज बेसिकली हेल्थ गाइड के बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर इंक्लूड करें। इफ़ यू आर अ फीमेल जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू है या डेयरी प्रोडक्ट्स अगेन आपको प्रॉपरली सूट नहीं करते हैं, देन यू मस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड देम। बट अदरवाइज रेगुलर सिनारियो में इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, यू शुड इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स बिकॉज उसके अंदर आपको कैसीन एंड वे प्रोटीन दोनों ही मिलता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ योर बेबी। प्लस फॉस्फोरस रिच होता है, वाइटामिन बी रिच होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। प्लस आप जानते ही हैं कि आप कर्ड, लस्सी, छाछ इस तरह की चीज़ें ले रहे हो तो इसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी होता है जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, विच मीन्स बेसिकली आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं आपके गट में उनको मल्टीप्लाई करता है और जो बैड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को वो कम करता है। सो दैट्स वेरी एसेंशियल कि आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। समर्स का टाइम है तो आप कर्ड ले रहे हो, कर्ड के साथ साथ आप रायता बना के ले रहे हो जिसके अंदर आप वेजिटेबल रायता ले रहे हो, बूंदी रायता ले रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। प्लस बीच बीच में आपको जो भंगा पैंग्स होते हैं ना, सो इफ़ यू आर इंक्लूडिंग स्टफ्स लाइक आप वो ले रहे हो चीज़ें इस तरह की, जैसे कि आप छाछ ले रहे हो या फिर आप लस्सी ले रहे हो, तो ये ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। जब आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यू आर ड्रेंच्ड विथ थर्स्ट और आपको कुछ मन कर रहा है इस तरह की चीज़ लेने का, तो बाहर के कोई शेक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या टेट्रा पैक वाली जूसेस उनको अवॉइड करके ये सब चीज़ें बहुत लेना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स को इस तरह के हंगर पैंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, सो इट्स ऑलवेज एसेंशियल कि आप उसको अगेन अपनी क्रेविंग्स को आप किस तरह से चैनलाइज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी चीज़ें ले रहे हो। देन सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है लेग्यूम्स आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। उसके अंदर आपकी हर तरह की पल्सेस आ गई, लेंटिल्स आ गए, दाल आ गए, पीज आ गए, विच मीन्स मटर बीन्स आ गए आपके, देन आपके चिक पीज आ गए जिन्हें हम चने बोलते हैं, राजमा आ गए आपके, पीनट्स आ गए, सोयाबीन्स आ गए, ये सब लेग्यूम्स का पार्ट हैं। इसके अंदर आपको एसेंशियल अमाउंट्स ऑफ फाइबर मिलता है, प्रोटीन रिच तो ये डेफिनेटली होता ही होता है, आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, कैल्शियम रहता है, प्लस फॉलेट रहता है विच मीन्स वाइटामिन B9 रिच होता है आपके लेग्यूम्स। तो फॉलेट आपकी बेसिकली एक प्रेग्नेंट फीमेल की रिक्वायरमेंट रहती है 600 mcg, राइट, वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप उसको कैसे फुलफिल कर सकते हो, आप हमस के फॉर्म में डिप्स बना रहे हो जैसे, वो आप ले सकते हो, क्योंकि घर का आप बनाया हो कुछ भी ले रहे हो कि आप, जैसे मैं बताती हूँ ना कि आप डिप्स ले रहे हो, चटनी ले रहे हो, धनिया पुदीने की चटनी, इस तरह से आप हमस बना सकते हो चिकपीस का, देन आप उसको टोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप मेरे जो क्लाइंट्स हैं और अदरवाइज भी मैं अपने फॉलोअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, मिंटी बीन सैलड, इस तरह के हेल्दी सैलड्स, सैलड नहीं तो हम सोचते हैं कि बोरिंग ही होने वाला है, आपका मन नहीं करता, क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में तो आपको लगता है कोई चाट खा लो, पापड़ी खा लो, गोलगप्पे खा लो, तो क्यों ना इस तरह का चटपटा फूड, लेकिन इन अ हेल्दी हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो हमारी किचन में बन रहा है। तो इस तरह से मिंटी बीन सैलड ले लिया आपने, बाकी हमारे राजमा चने ये सब इनकी करीज खा रहे हो, ये सब आप फॉर्म में खा रहे हो, वो तो रेगुलर प्रिपरेशन है ही है। देन थर्ड प्रेगनेंट फीमेल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो, यस, बिकॉज इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन स्टार्च कंटेंट कम होता है। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन ऑल्सो, विच मीन्स वाइटामिन ए का प्रीकर्सर एक्ट करता है, तो अगेन वो बहुत हेल्दी रहता है, फाइबर रिच है ही है और आपके डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। बिकॉज कई बार प्रेगनेंट फीमेल्स को देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन का इशू, ब्लॉटिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है, सो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर मेडिसिंस, वो भी आप बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते कि आप एंटीबायोटिक्स लेते जा रहे हो फॉर एवरी स्मॉल थिंग, तो इस तरह की अगर आप हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं और वो आपको हेल्पफुल रह रहा है, प्लस शाम को जब सीज़न होता है आपको भूख लग रही है, हंगर पैंग्स हो रहा है, सो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर दोस पैकेट ऑफ चिप्स और हैविंग केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड मफिन्स इस तरह की चीज़ें खा रहे हो आप, उसकी जगह पे आप स्वीट पोटैटो एक ले लेते हो, ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी फिलिंग और जैसे मैंने बताया फाइबर रिच है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, तो बहुत ही हेल्दी है, इट्स वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन ऑल्सो जो विच एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर टू वाइटामिन ए, तो वाइटामिन ए की कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल रहता है एंड वाइटामिन ए इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। देन फोर्थ है मेरी लिस्ट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जब भी सीजनल है आपको ज़रूर लेनी चाहिए,
बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर. वाइटामिन के रिच भी है, वाइटामिन सी रिच भी है, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, पोटाशियम, बहुत सारे इस तरह के आप देखोगे कि मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, इस तरह के आपको वाइटामिन्स मिल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल ऑल्सो एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी बेबी ऑल्सो. और इससे देखा जाता है जितना आप हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने डाइट में लिखते हैं सो लो बर्थ वेट का रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, विच मीन्स कि बेबी का वेट बहुत कम है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. दैट मीन्स कि आपको ये हेल्दी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. कैसे कर सकते हो, साग बना रहे हो आप, पालक बना रहे हो आप, मेथी बना रहे हो, ये सब चीज़ें तो हम खाते ही हैं. रायता के फॉर्म में इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, इसकी स्टफ रोटी सुबह ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हो. सो देर आर मल्टीपल वेज. आप मेरे देखोगे मक्की की मेथी वाली रोटी का मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया हुआ है, यूट्यूब, मेरे इंस्टा, फेसबुक, हर जगह आपको दिख जाएगा. तो ये सब चीज़ें जब सीजनल हैं यू मस्ट हैव इट, बट जब मानसून का टाइम है तब ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए. बिकॉज अगेन जो चीज़ सीजनल है उस टाइम पे वो बेनिफिट देती है, बट अगर वो सीजन में नहीं है उस टाइम पे वो नुकसान भी दे सकती है. द नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज फिफ्थ इज होल ग्रेन. ज़रूर आपको लेने चाहिए, वीट तो हम लेते ही, हमारा स्टेपल फूड है, राइस लेना चाहिए. नाउ व्हेन आई से राइस डजंट मीन आपको ब्राउन राइस लेना है, राइट? आप नॉर्मल रेगुलर वाइट राइस ले लीजिए, बट आपको अपना पोषण कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कई बार फीमेल्स क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. यू टेंड टू थिंक कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट तो आई नीड टू ईट द डबल ऑफ व्हाट आई वाज सपोज टू ईट, जो मैं पहले खा रही थी. बट ऐसा नहीं करना है, आपको मॉडरेशन में ही लेना है. दैट इज़ हाउ व्हेन यू टेक अ प्लान फ्रॉम अस. तो इसीलिए आपका उसके हिसाब से ही प्लान आपका डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पर आप ओवर ईटिंग के वर्ड्स पे भी नहीं चले जाते बट आप अंडर ईट भी नहीं कर रहे हो. तो राइस है, बार्ले है, बार्ले अगेन आप अपने वीट के साथ मिक्स करके भी ले सकते हो 50-50 क्वांटिटी में. दैट्स वेरी वेरी हेल्दी जिन लोगों को, अगर वही जैसे कॉन्स्टिपेशन का इशू जिन लोगों को फीमेल्स को हो रहा है. देन बार्ले वाटर आप सुबह मॉर्निंग में लेते हो, तो जिन फीमेल्स को नॉजिया का इशू रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग प्यूकिश फीलिंग होता है, तो डेफिनेटली वो भी रिजॉल्व करने में काफ़ी हद तक वो हेल्पफुल रहता है. बट यू हैव टू इंश्योर कि आप प्रोसेस्ड फॉर्म में ये चीज़ें इंक्लूड ना करें, होल ग्रेन्स ही लें. आप पास्ताज, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, ब्रेड्स, बंस, ये सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें जितना हो सकता है वो अवॉइड करें. होल ग्रेन्स आप ले रहे हैं, इससे आपको विटामिन बी मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी. तो ये नहीं सोचना है कि मेरा ज़्यादा वेट ना बढ़ जाए तो कार्ब्स तो मुझे अवॉइड ही करनी है. नो, हेल्दी फॉर्म में आप ले रहे हो सो यू शुड हैव इट एंड यू एक्चुअली नीड इट. देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज ड्राई फ्रूट्स. ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉलेट, आयरन, पोटाशियम, वाइटामिन के. तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी रहती हैं, प्लस नेचुरल लैक्सेटिव का काम करती है. जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होना स्टार्ट होता है ना, आप ये सब चीज़ें लेते हो, आप देखते हो ये नेचुरली लैक्सेटिव का काम करती हैं. आपको कोई भी त्रिफला, ये सब गोल, ये सब चीज़ें लेनी नहीं पड़ती हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर आप प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ये लैक्सेटिव्स लेते चले जाते हैं जो आर्टिफिशियली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं आर्टिफिशियल, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है इन सब चीज़ों के. और आप देखते हो आपका नेचुरल प्रोसेस जो है बॉडी का सुबह कि नेचुरली बॉल मूवमेंट आपने करना था वो नहीं हो पाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करिए. अगर मैं डेट्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, पोटेशियम, आयरन, और अगेन प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स हैं ये, जिससे आपको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बहुत ही फुलफिलिंग रहते हैं. आपको भूख लग रही है थोड़ा सा आप ले लिया तो कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू इंश्योर एवरीथिंग हैज़ टू बी इन मॉडरेशन बिकॉज इनकी तासीर गर्म होती है. जितना भी हो सके आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो सोक करके लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जैसे मैंने बताया तासीर गर्म होती है, तो अगेन उसके साइड इफेक्ट्स भी, लॉन्ग टर्म रेपरकशंस भी हो सकते हैं. ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो, कोई एक्ने ना हो, आपको सूट करें, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरनाइट सोक करके ही आप इस तरह की चीज़ें लें, चाहे वो अंजीर हो, चाहे वो डेट्स हो, चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स, नट्स हो, ये सब चीज़ें. देन वाटर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कई बार हम भूल जाते हैं बीइंग अ प्रेग्नेंट फीमेल, बिकॉज सो मच इज़ गोइंग थ्रू, सो मच चेंजेस आर हैपनिंग इन योर बॉडी. बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना है कि वाटर आपका जो आप ले रहे हो इनटेक वो कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज फ्लूइड लॉस होने लग जाता है और आपकी बेबी की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हर्डल आनी शुरू हो जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिहाइड्रेशन का इशू ना हो, तो इसीलिए आपको वाटर इनटेक प्रॉपर अपना ऑप्टिमम रखना चाहिए. अदरवाइज फीमेल्स में देखा जाता है कई बार मूड स्विंग्स, एनजाइटी, हेडेक,
तो आपकी मेमोरी भी रिड्यूस होने लगती है, टायर्डनेस, फिटीक, आप फटीक फील करते हो वो इसी वजह से क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड है। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बट इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप वाटर इनटेक आपका ऑप्टिमम है तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच इज़ यूटीआई, इसका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। नहीं तो आप ज़्यादा इन्फेक्शन कैच करते हैं बींग अ प्रेगनेंट वुमेन, कभी भी आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं कुछ भी है, बट इफ़ यू आर वेल हाइड्रेटेड तो आपका ये रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वाटर इंटेक ऑप्टिमम रखें। बेसिकली अगर मैं आरडीआई की बात करूँ, रिकमेंडेड डेली इंटेक वो 2.3 लीटर्स है इन जनरल फॉर एवरी वुमेन, बट अगेन आप अपने डाइटिशियन से, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर यू पर्सनली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है। बट बिटवीन एनी वे बिटवीन 2 to 3 लीटर्स इज गुड, जो आपको हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। देन लास्ट ऑन माई लिस्ट इज एक्सरसाइज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हो, ये सब चीज़ें मेंटेन कर रहे हो बट बहुत ज़्यादा सिडेंट्री हो, ट्रस्ट मी दैट्स नॉट गुड फॉर योर, अनलेस एंड अनटिल योर डॉक्टर हैज़ नॉट एडवाइज कि आप बेड रेस्ट पे हो, कोई इशूज़ आ रहे हैं, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड एंश्योर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो आपको एक्टिव रहना है थ्रू आउट द डे। यू शुड नॉट लीड अ वेरी सिडेंट्री लाइफ स्टाइल बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, दिस इज़ अ फेज इन लाइफ, अ ब्यूटिफुल फेज इन लाइफ विच यू शुड एन्जॉय। और आप जो पहले अपने काम करते जा रहे थे रेगुलर, राइट, बहुत रिगरस फिजिकल वर्कआउट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या कुछ आप बहुत ज़्यादा अगर आपका काम था फिजिकली एग्जॉस्टिंग, वो सब चीज़ें नहीं करनी है, बट अदरवाइज यू हैव टू बी ऑन द गो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स गुड फॉर यू ऑल्सो, सो दैट यू आर एंगेज हर टाइम। आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ मेरे साथ डिफरेंट हो गया है सो अब मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। यू शुड लीव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू शुड लीड अ वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल, और अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेके जो भी वो आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, वॉक इज समथिंग। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चल रही है तो वो तो आपको हर डॉक्टर ही बताएगा, वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, बट और एक्सरसाइजेज, चाहे वो योगा की बात हो या आप कुछ भी कार्डियो की बात करते हो, तो वो डिपेंड करता है आपका प्री प्रेगनेंसी क्या स्टेटस था, आप पहले एक्सरसाइज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। कुछ भी नई चीज़ करने से पहले स्टार्ट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, और उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ आप एक्टिव थ्रू आउट द डे ज़रूर रहें, मूवमेंट ज़रूर रखें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। खाने की टिप्स और ओवरऑल लाइफ स्टाइल किस तरह से मेंटेन करना है, ये हेल्थ गाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो रहेगा ही, और आपके आसपास भी हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूजफुल। ऑफ लेट मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितनी हेल्पफुल रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।